जय जय श्री राम, जय बजरंग बली। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सिद्धांश अग्रवाल हियर, और श्री हरमन भक्ति दर्शन चैनल पर भी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। बैठे बैठे बाबा रामदेव की बात चल रही थी, अभी शॉप पर एक कहानी याद आ गई। आप भी प्राणायाम करते होंगे, तो एक बंदा पूरी बाबा रामदेव के कहने पर प्राणायाम किया करता था जमकर। 110 साल में साहब उसको जो है 110 साल में वो गोलोकवासी हुआ, और चूंकि भजन कीर्तन भी बड़ा किया करता था, राम नाम का जाप किया करता था, तो पुण्यक्रम काफी संचित किए, तो स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। स्वर्गलोक पहुंचा साहब 110 साल की उम्र में प्राणायाम करने वाला बंदा, और गेट पर ही साहब बहुत सुंदर अप्सरा ने सोमरस के साथ स्वागत किया उसका। थोड़ा आगे बढ़ा, दो सुंदर अप्सराओं ने साथ गुलाब के फूलों की वर्षा की, अति सुंदर उपहार भेंट किए। थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर उसके बाद अप्सराओं की लाइन लग गई साथ। 110 साल का बुजुर्ग जो स्वर्गलोक पहुंचा था, आहा, प्रसन्नता से अभिभूत हो गया और बोला उनसे अप्सराओं से, अरे बहुत देर कर दी, अरे बाबा रामदेव के प्राणायाम ने तो जो है देर लगा दी इस तक पहुंचाने में मुझे, तो आप भी अगर लंबी उम्र चाहते हैं और प्राणायाम कर रहे हैं तो बाबा रामदेव के प्राणायाम को अपनाएं, और स्वर्ग की अप्सराओं का सुख चाहते हैं या और कोई सुख चाहते हैं तो आपकी मर्जी। जय जय श्री राम, किसी और कहानी के साथ फिर से मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे कृष्णा। देखते रहिए श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल और चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक लाइव। स्वागत आपका, अभिनंदन, जय हो, जय बजरंगबली।